हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संकेत करियर पॉइंट में। चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने वाले हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आप लोगों को किस भी परीक्षा का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम पर अब तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। आप लोगों को कोई भी सवाल हो इंस्टाग्राम पर हमको बताइएगा, हम जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, दिव्या नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए हाथ में, बी घुटना में, सी टांग में, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी टांग में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क, बी में दिमाग, या सी में ए या बी दोनों, या डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्बोनेट फास्फोरस, बी में कैल्शियम फास्फोरस, या सी में ए और बी दोनों, या डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फोरस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 10, बी में 15, या सी में 20, या डी में 25। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 20। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का दुर्गंध किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोनेट के कारण, बी में कैल्शियम के कारण, या सी में यूरिया के कारण, या डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यूरिया के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 600, बी में 610, या सी में 630, या डी में 639। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 639। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। उसमें हम बताए हैं कि मनुष्य का किडनी का वजन कितना होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारा पार्ट्स है जिसको बारे में हम बताए हैं, तो जाके उसको जल्दी से देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में 10 जोड़ी, बी में 11 जोड़ी, या सी में 12 जोड़ी, या डी में 13 जोड़ी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी में 12 जोड़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में मैग्नेटोमीटर, बी में स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर, या सी में ए और बी दोनों, या डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए में 4, बी में 5, सी में 6, या डी में 7। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी में 6।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 2 दिन, बी में 1 से 3 दिन, सी में 1 से 4 दिन या डी में 1 से 5 दिन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 से 4 दिन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही बताने वाले हैं, आधा के जीके हम पार्ट टू में बताने वाले हैं, तो पार्ट टू को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो पार्ट टू को जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिएगा।